ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी आर गोइंग टू नो दैट. सपोज इन एनी कंडक्टर मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड ऑल आर मूविंग इन रैंडम डिरेक्शन. इफ यू टेक द एवरेज ऑफ ऑल दिस वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स देन दैट इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो. एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग बैटरी इज ऑलवेज जीरो. वाई? देर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स. इफ वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डिरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, देन अदर वन इज मूविंग विथ -5 इन ऑपोजिट डिरेक्शन. सो इफ यू आर टेक एवरेज, यू आर समिंग ऑल द वेलोसिटीज एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, द समेसन इज जीरो. सो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो बिफोर अप्लाइंग द बैटरी. बट सपोज दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग द बैटरी. इट इज मूविंग, दिस इज दिस डार्क पाथ इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग बैटरी. द इलेक्ट्रॉन विल गो कोलाइड विथ आयन, अगेन गो एंड कोलाइड, अगेन गो एंड कोलाइड, गो एंड कोलाइड, गो एंड कोलाइड. दिस इज ट्रेवलिंग टू द पाथ ए टू बी बिफोर अप्लाइंग बैटरी. बट वॉट हैपन इफ यू अप्लाई द बैटरी टू द टू टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, देन देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड. ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द ऑपोजिट डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू क्यू इन टू ई. एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, सो एंड द फोर्स इज मास इन टू एक्सेलरेशन. सो द एक्सेलरेशन जनरेटेड इन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वॉट? माइनस ई बाय एम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, चार्ज इज कॉन्स्टेंट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रॉन. देन वॉट हैपन? Suppose this electron go and collide first time, and after collision, after immediately after the collision, the speed of electron is assume vi. यहाँ पर हम assume कर रहे हैं कि भाई ये collision के बाद तुरंत इसकी speed कितनी होगी? vi, small vi. अब ये collision के बाद ti time के बाद, after ti time, समझो इसकी speed कुछ होगी capital vi. क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है तो स्पीड वेरी हो रही होगी. तो टी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की आइथ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम बोलेंगे वी आई. तो टी टाइम पर सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा उसे ही हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसका मीनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? टी आई टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे. तो यहां से अगर हम स्टार्टिंग करें तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टी आई टाइम हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूला यूज करें, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. टी टाइम पर टी आई टाइम के बाद वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल वी आई, एक्सेलरेशन ई बाई एम इन टू टी आई. टी आई इज द टाइम इंटरवल बिटवीन कोलाइजन, टू सक्सेसिव कोलाइजन्स, ऐसा हम बोल सकते हो. अब इसका एवरेज लोगे वही हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. इसका एवरेज लेना हो तो सबका एवरेज लेना होगा. इसका एवरेज लो ई बाई एम, ये तो कॉन्स्टेंट है तो उसका एवरेज नहीं होगा, सिर्फ टी आई का एवरेज होगा. टीआई के एवरेज को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम. द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलाइजन्स इज कॉल्ड व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम. दो कोलाइजन के बीच में, समझो ऐसा हो यहां कोलाइड हुआ, यहां कोलाइड हुआ, इससे पहले टाइम, इसके बीच में टाइम था टी वन, ये सेकेंड थर्ड कोलाइजन के बीच में टाइम टी थ्री, थर्ड फोर्थ कोलाइजन के बीच में टाइम टी थ्री. तो इन सबका जो एवरेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्स हो रहा है कोलाइजन के बिटवीन में, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो रहा है, उसका जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम. और वो वेरी होगा इसलिए हम उसको एवरेज ले रहे हैं और उसको बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो टी आई का एवरेज होगा उससे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम. अब इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज तो ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है. इनिशियल यहां पर आफ्टर कोलाइजन जो वेलोसिटी है बराबर, वो सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसका आप एवरेज लोगे तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? जीरो होगा. तो ये जो टर्म है वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इन टू टो. सो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखो तो ये होगा. अब यहां पर समझना क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों किया गया? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है तो स्पीड वेरी होनी चाहिए, बट ड्रिफ्ट स्पीड का आप आंसर दो. ये ड्रिफ्ट स्पीड हम कौन सी ले रहे हैं? तो टी टाइम पर सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड का एवरेज बराबर. वो एवरेज का आंसर देखो, ई कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, टो कॉन्स्टेंट, सब कॉन्स्टेंट है तो ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड वेरी होनी चाहिए, तो वेरी नहीं हो रही है, और ये कॉन्स्टेंट स्पीड को ही बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये क्यों कॉन्स्टेंट है वो समझाता हूं. तो जब इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन यहां से कोलाइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी, मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी.
फिर वो यहां पर वापस कोलाइड होगा, तो वो क्या करेगा, जितनी एनर्जी इंक्रीज हुई वो वापस इस आयन को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा आयन को, क्या कर देगा ट्रांसफर, तो उसकी एनर्जी जितनी थी पहले उतनी वापस हो जाएगी, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वापस वो कोलाइड होगा तो वापस वो जितनी इंक्रीमेंट हुआ उतना वापस ट्रांसफर कर देगा दूसरे आयन को। ऐसे वो जितना एनर्जी इंक्रीमेंट हो रहा है वो ट्रांसफर कर रहा है आयन्स को, इसलिए उसकी एनर्जी कांस्टेंट जैसे ही रह रही है, इसलिए उसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, भले उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो फिर भी उसकी स्पीड क्या रह रही है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट स्पीड को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड लेना हो, या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है सबकी डिरेक्शन अलग है, रैंडम मोशन है इसलिए, तो स्पीड आप कौन सी लोगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड का आप क्या लोगे एवरेज, उसको क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड के टर्म में यूज करोगे।